हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू द चैनल लाइफ इज़ ऑसम। जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं फ़िलहाल आपको इस वीडियो में कुछ नए डिज़ाइन और आइडियाज़ बताना चाहता हूँ एंड एक फ्लैट का वॉक थ्रू बताना चाहता हूँ, लाइक रेंट पर्पस एंड ऑल द क्रेडिट्स गोज टू द इंजीनियर, पर्टिकुलर इंजीनियर हु हैज़ कंस्ट्रक्टेड एंड नेम फेम एवरीथिंग टू हिज ओनली। आई एम जस्ट टेकिंग द वीडियो। वॉच दिस वीडियो अंटिल एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड फुल डिटेल विथ प्लान के साथ आपको दिखा दूंगा। लेट्स सी। तो यहाँ पे है प्लान, यहाँ से एंटर होते हैं पैसेज एरिया, यहाँ से एंटर हुआ इधर। ये पहला ये एक पोर्शन है, एक दूसरा पोर्शन है। एंटर हुए एक ओपन एरिया, ओपन स्पेस करीब 8 फीट का जगह मिल जाएगा यहाँ पे, लंबाई में तो मिलेगा ज़्यादा। एक हॉल यहाँ से एंटर होते हैं, हॉल का साइज 14 फीट x 9 फीट का एंड इधर एक बेडरूम और इधर एक किचन, कॉमन टॉयलेट एंड बाथ। यहाँ पे जो है एक टॉयलेट रूम है। तो हॉल का साइज़ 14, इसका चाहे तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि कुछ समझ में आ सके आपको भी। ओके, जैसा मैंने बताया था वो पैसेज एरिया था, यहाँ से एक एंट्रेंस करीब एक 6 फीट का पैसेज है, मतलब वरांडा टाइप में। ओके, टेरेस, एक मेन डोर का डिज़ाइन। ये आपका मेन डोर हो गया, फिर यहाँ से हॉल, इस तरह का हॉल है और फॉल सीलिंग डिज़ाइंस। टीवी सेट रखने के लिए यहाँ पे शोपीस और सामने इस तरह का दिखेगा डोर, डोर के साथ एक विंडो। ओके, एंड मैं जब आपको दूसरा एंगल से दिखाया तो अभी मैं आपको फिलहाल ये पोर्शन दिखाया। अब कॉमन टॉयलेट एंड बाथ और किचन और बेडरूम, लेट्स गो इनटू दिस पोर्शन, दिस टू। यहाँ एक ओपन पैसेज, फिर नेक्स्ट एक कॉमन टॉयलेट एंड बाथ, इंडियन सीटिंग करीब एक 9 इंच हाइट पे। फिर नेक्स्ट यहाँ पे फर्स्ट स्टेप आ जाएगा, यहाँ पे बाथ पर्पस, उधर कोने पे सिंक एंड इंडियन सीटिंग करीब 6 इंच ऊपर लिया गया, उधर आपका प्लेसिंग सिटिंग पोजीशन, टाइल्स डिज़ाइन। तो एक लेवल लिंटल के बिलो ही क्या है यहाँ पे लिया गया, बाकी को ऊपर ओपन छोड़ेगा, वहाँ पे एक फ्रीजर आ जाएगा, हॉट वाटर एंड कोल्ड वाटर सब मिक्सअप। और यहाँ पे ये फिनिशिंग, पहला एक पूरा एक लेते हैं, फिर उसके बाद एक दूसरा लगाएगा। फर्स्ट ग्रेनाइट लगाते हैं, उसके बाद इसके ऊपर दूसरा एक ग्रेनाइट, ताकि आपको बाहर जो है इस तरह का लुक मिल सके। ये देखिए, ये पहला वाला था, जस्ट पूरा जितना भी दीवार रहता है ना पूरा ले लेते हैं, फिनिशिंग करते हैं, फिर उसके ऊपर क्या है इसको प्लेसिंग करते हैं, मतलब चिटका देते हैं, इतना ही है इसका सॉल्यूशन। तो जब आप देखेंगे ऐसा तो बहुत खूबसूरत दिखेगा ये पोर्शन। और सिमिलर वे में डोर को भी इसी तरह से किया गया। फर्स्ट देखिए दीवार था, दीवार के ऊपर पूरा एक कंप्लीट यहाँ से लेके यहाँ तक लगाया गया, फिर उसके बाद नेक्स्ट इसके ऊपर एक चिटकाया गया, मतलब जस्ट प्लेस किया गया। तो प्लेस करने के बाद यहाँ से देखे तो ऐसा खूबसूरत दिखेगा। ये बाहर आया, एक अंदर गया, जस्ट ईजी और सिंपल वे। अब हम देखते हैं किचन। तो वहाँ से हॉल था, हॉल से यहाँ एंटर हो गए, पूरा एक पैसेज, मतलब वे टू किचन, कॉमन टॉयलेट एंड बाथ एंड वे टू द बेडरूम। यहाँ देखिए ये डिज़ाइन भी इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे पैसेज जगह पे किस तरह का टाइल्स प्लेसिंग करते हैं।
एक ग्रेनाइट वाइट कलर थोड़ा, और उस पर क्या है ये पीसेस उस पर प्लेसिंग किया गया है। एंड यहाँ पे जस्ट प्लेन किचन में एंटर होते हैं, किचन में एंटर होते ही एक फिनिशिंग, ये हर जगह कॉमन रहता है, एक फिनिशिंग इस तरह का कटिंग करके रखना है। ओके और वो जो है ना करीब 2 इंच 1.5 इंच 2 से 2.5 इंच ऊपर लेके फिर फिलअप करके वहाँ पे टाइल्स ग्रेनाइट। किचन टाइल्स मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ सजेस्ट करना चाहता हूँ, देख लीजिए। अगर आप यहाँ वीडियो पूरा अंत तक देख रहे तो डेफिनेटली आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, स्पेशली फॉर योर हाउस 100% हेल्पफुल। जैसा ये जो कोना रहता है ना स्पेशली यहाँ पे, देखे तो ऐसा कुछ डिस्टर्बिंग करता है ना कभी भी, एक कॉर्नर पोर्शन डिस्टर्बिंग करता है। इस पोर्शन को आप किस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं तो उसके लिए एक सॉल्यूशन है, सिंपल सॉल्यूशन, बिकॉज इन फ्यूचर में कैसे भी आप पेंट किया जाता है तो इसलिए मैं ड्रॉ कर रहा हूँ इधर। ये जो रहता है ना यहाँ पे कर्व लीजिए, ओके जितना मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ना इधर कर्व लेके करना चाहिए, बिकॉज मुरमुली तीन कोना कभी भी नहीं रहना बोल देना तो आपको आंखों के लिए कुछ अच्छा नहीं दिखता है। उसकी वजह से क्या है यहाँ पे कर्व ले लीजिए, यहाँ जब ये करते हैं ना कर्व लेना चाहिए तभी, और कर्व लेके ये जो रहता है ना कर्व लिए तो ये बिठाने नहीं आता, वो एक दिक्कत रहता है। इसको क्या करना यहाँ पे रखना, बाकी को खुला रखना, ये इधर नहीं आना, इसको एक 9 इंच पे यहाँ पे रखना, इसको कर्व करना इधर ऐसा कर्व करना तो ये ओपन रहता है, यहाँ पे पैक रहेगा। तो एक सॉल्यूशन मैं बता रहा हूँ इसको, अगर कोना या कर्व किए तो उसका सॉल्यूशन, तो एवरीथिंग इज़ फाइन। अब हम देखते हैं बेडरूम, बेडरूम का साइज 10x10 फीट, एक डोर, तो बेडरूम में भी सिंपल सीलिंग, वहाँ पे लाइटिंग लगा सकते हैं, मेरे ख्याल से वो नेसेसरी नहीं था, और जो भी किए हैं ना ये ऐसा दो दो पट्टियाँ नेसेसरी नहीं था, बिकॉज उसके अंदर आप रूफ लाइट नहीं बिठा सकते, मेन प्रॉब्लम वही है अंदर आप रूफ लाइट नहीं बिठा सकते अभी, बिकॉज उधर कोई गैप नहीं है कुछ नहीं, वो उसके लिए बता रहा था। एंड यहाँ पे देखिए इधर स्टोरेज के लिए जगह, यहाँ पे भी सेम एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जैसा फ्लोर लेवल से, फ्लोर फिनिशिंग लेवल से फिर 1 इंच और एक टाइल्स ग्रेनाइट बिठाए गए वहाँ पे ऊपर, ताकि यहाँ आप वॉश करें तो अंदर पानी नहीं जाना चाहिए उसकी वजह से। और लिंटल, वन मोर थिंग, जैसे यहाँ पे जा रहे थोड़ा ऐसा लग रहा है ना कुछ ये बीच में आया बोल को, तो इसको भी आप उसी तरह करना चाहिए, इधर भी कर कोना ले सकते थे, या फिर ये जो रहता है ना इनके और इसके बीच में 6-7 इंच का तो गैप रहना चाहिए, तभी यह थोड़ा कंफर्टेबल, ऐसे जाते वक्त एकदम ऐसा ये इन बिटवीन आया जैसा लगता है। हमारा फीलिंग्स है वास्तु के पीछे, हमारा फीलिंग्स है। तो थैंक यू सो मच, कैसा लगा वीडियो जरूर बता देगा, ग्रेट डे।